नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यह साथियों, राजस्थान के सीएम को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि 73 विधायकों से सवाल कौन बनना चाहिए राजस्थान का सीएम, और ज्यादातर बोले मोदी तय करेंगे। कुछ ने कहा वसुंधरा की जगह नए को बनाया तो मुश्किल हो जाएगी, और 30 ने बात नहीं की। और राजस्थान में भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, और चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद राजस्थान के हर घर हर सड़क नुक्कड़ और चौराहों पर पूछे जा रहे इस सवाल का जवाब मंगलवार को यानी आज मिल जाएगा। जी हां साथियों, मुख्यमंत्री का जो सवाल का जवाब है आज ख़त्म हो जाएगा, और भाजपा ने अपने 115 विधायकों को आज प्रदेश मुख्यालय में बुलाया है, और विधायक दल की मीटिंग के बाद संभवतः राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। जी हां साथियों, आज है राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो इंतजार है ख़त्म हो जाएगा। और फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित करीब एक दर्जन नेताओं के नाम सीएम की रेस में है। और दैनिक भास्कर ने भाजपा के लगभग 103 विधायकों से यह जानने की कोशिश की कि किसे राजस्थान का सीएम बनाया जाए। जी हां साथियों, इसमें बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे सिंधिया का काफ़ी नाम ऊपर दिखाई दे रहा है। और वहीं दोस्तों देखिए, सीएम कौन होगा यह कैसे बता सकता हूँ, यह तो पार्टी के एमएलए ही बता सकेंगे, ये किरोड़ी लाल मीना का कहना है। भाजपा की रीति नीति सुस्पष्ट है, यहाँ सभी निर्णय दूरगामी सोच के साथ होते हैं। पार्टी ने जो तय किया है वो विधायक दल की बैठक के सामने आएंगे, और इसके अलावा सब कयास है। जी साथियों, ये लाला राम बहरवा शाहपुरा से कहना है। महंत बाबा बालकनाथ का कहना कि पीएम नरेंद्र मोदी को जो सही लगेगा वो सही निर्णय होगा, और सीएम पार्टी तय करेगी, और जो पार्टी डिसाइड करेगी वही सीएम बनेगा, ये महंत बालकनाथ का कहना। जी हां साथियों, आपकी नज़र से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया जाए।